इस दुनिया के भीतर कोई भी एक घर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिस घर के भीतर छोटी मोटी विवाद, छोटी मोटी बातें या छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा ना हुआ हो। लेकिन इसका मतलब यह कभी भी नहीं होता कि आप लड़ाई झगड़ा करके गुस्से में घर को त्याग दे, घर को छोड़ दे। आज की सच्ची घटना में एक लड़की शादी करके अपने ससुराल तो चली जाती है, लेकिन शादी से करीब एक साल बाद ही वो लड़की अपने पति से लड़ाई झगड़ा करके अपने मायके लौट के चली जाती है। लेकिन इधर मायके में रहते हुए केवल उसको 4 महीना का समय ही बीता था कि एक दिन उस लड़की के पति की बहुत ही बेरहमी तरीके से हत्या कर दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद ही पुलिस जब इस केस की जांच पड़ताल में जुटती है तो इस हत्या के भीतर 4 लोगों को गिरफ्तार पुलिस करती है। अब जब इन 4 लोगों का चेहरा जब समाज के सामने लाया जाता है तो इनको देख करके किसी को भी अपने आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। जी हाँ नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बता रहा हूँ, दरअसल यह घटना होता है उत्तर प्रदेश राज्य की। उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है कानपुर, और इसी कानपुर का एक थाना लगता है नौबस्ता, और इसी नौबस्ता थाने के अंतर्गत एक कॉलोनी आता है खारेपुर, और इसी खारेपुर गाँव का रहने वाला जगराम सिंह, जगराम सिंह की पत्नी का नाम होता है मीना देवी। जगराम सिंह के टोटल 3 बच्चे होते हैं जिसमें से 2 बेटी होती है और 1 बेटा होता है। बड़ी बेटी का नाम ममता होता है, दूसरी बेटी का नाम पूजा होता है, और सबसे छोटा बेटा राजकुमार होता है। अब ममता जिसकी 2 साल पहले ही शादी हो गई थी, जिसके पति का नाम होता है मनोज सिंह। अब मनोज जो कटरा निवासी होते हैं, कटरा के रहने वाले होते हैं। इधर पूजा भी जब अपने जवानी के दहलीज पर कदम रखती है उसके बाद से जगराम सिंह जो है अपनी बेटी पूजा की शादी कराने के लिए एक लड़के की तलाश करना शुरू कर देते हैं। तभी जगराम सिंह की मुलाकात जो है तेज बहादुर सिंह से हो जाती है। अब तेज बहादुर जो कि हंसपुरम का रहने वाला होता है। अब दरअसल ये तेज बहादुर कोई और व्यक्ति नहीं होता है बल्कि जगराम के ही बड़े भाई का दामाद होता है। अब जगराम तेज बहादुर से कहता है कि पूजा के लिए एक लड़के की तलाश करो। अब इस पे तेज बहादुर जो है जगराम से कहता है कि मेरा ही एक छोटा भाई है जिसका नाम होता है ओम प्रकाश। अब ओम प्रकाश जो कि ड्राइवरी का काम किया करता था, तेज बहादुर जगराम से कहता है अगर आप बुरा नहीं माने तो पूजा के लिए ओम प्रकाश सही है। अब जैसे ही ओम प्रकाश का नाम बताता है, जगराम को भी ओम प्रकाश पसंद आ जाता है क्योंकि ये रिश्ता पहले से ही पुराना होता है। जगराम भी तेज बहादुर के पूरे परिवार वालों को बहुत अच्छे तरीके से जान रहा था क्योंकि रिश्तेदार होता है। जैसे ही ओम प्रकाश पसंद आ जाता है, फरवरी 2016 के भीतर जगराम अपनी बेटी पूजा की शादी जो है ओम प्रकाश से करवा देता है। अब पूजा भी शादी करके जब अपने ससुराल चली जाती है क्योंकि वहां पर उसकी मुलाकात जो है तेज बहादुर की पत्नी अनीता से होती है। अब अनीता जो कि पूजा की चचेरी बहन होती है, अब पूजा के अपने ससुराल वाले उसको बहुत अच्छे से लाड़ प्यार करते थे। पूजा भी अपने ससुराल वालों का बहुत अच्छे तरीके से देखभाल करती थी। अब तेज बहादुर जो कि टोटल 4 भाई होते हैं और 1 बहन होती है। अब तेज बहादुर बड़ा होता है, दूसरा ओम प्रकाश होता है, तीसरा छोटू होता है, और सबसे छोटा भाई प्रमोद होता है। उषा जो कि 3रे नंबर की होती है जिसकी ऑलरेडी पतारा के भीतर शादी हो चुकी होती है। इधर पूजा जब शादी कर अपने ससुराल में जाती है, अपने ससुराल वालों के साथ 1 साल तक बहुत अच्छे तरीके से जीवन व्यतीत करती है। लेकिन जैसे उस शादी के 1 साल का समय बीतता है, एक दिन ओम प्रकाश और पूजा के बीच छोटी सी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है। अब इस लड़ाई झगड़े से शुरुआत होती है और इस प्रकार से उसके बाद ये नाराज होती है कि वो अपने पति को ससुराल में ही छोड़कर अकेले मायके चली जाती है पूजा। उसके बाद से ओम प्रकाश जो है पूजा को मनाने के लिए अपने ससुराल में भी आता है, लेकिन पूजा जो है अपने पति के साथ जाने के लिए ससुराल तैयार ही नहीं होती है। अब बात मैं आपसे कर रहा हूँ 6 नवंबर 2018 की शाम के करीब 7-8 बजे के समय रहा था। अब दरअसल ओम प्रकाश जो है अपने बहन उषा के घर पतारा के लिए बाइक लेकर के जाता है, लेकिन देर रात तक जब ओम प्रकाश वापस घर पे नहीं लौटता तो उसका बड़ा भाई जो होता है वो तेज बहादुर उसके नंबर पर कॉल करता है। लेकिन अब ओम प्रकाश का नंबर जो है स्विच बताने लगता है। अब उसके बाद से ये तेज बहादुर जो है अपनी बहन उषा के नंबर पे फिर से कॉल करता है और ओम प्रकाश के बारे में पूछताछ करता है। तो उषा बताती है कि ओम प्रकाश मेरे घर पे आया ही नहीं है। अब जैसे इस तरह की बातें कहती है, उसके बाद से तेज बहादुर ये बात सुन करके उसका पूरा परिवार ओम प्रकाश की जो है हर जगह पे तलाश करना में जुट जाती है। अब तलाश करते करते देखते देखते पूरी रात बीत जाती है। अगली सुबह जब निकल जाती है, अगली सुबह तक जब ओम प्रकाश घर नहीं लौटता तो उसका बड़ा भाई जो तेज बहादुर होता है वो अपने साइकिल लेकर के ओम प्रकाश को खोजने के लिए जाता है। लेकिन जैसे ही शंभुआ हाईवे पुल के ऊपर जाता है, देखता है कि वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा थे। दरअसल वहां पर जो है एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ था।
अब जैसे उस लाश को देखता है तो देख करके उसको पहचान कर लेता है। दरअसल वहां पर पुलिस प्रशासन तब तक आ चुकी थी। अब उस लाश को देख करके रोते पिलकते हुए पुलिस वालों को कहता है कि साहब ये कोई और नहीं बल्कि मेरा ही छोटा भाई ओम प्रकाश है। अब पुलिस जब ओम प्रकाश के बारे में पूछताछ करती है तो तेज बहादुर कहता है कि साहब मेरा भाई कल शाम को अपने बहन के घर के लिए निकला था घर से, लेकिन हो सकता है कि उधर से वो वापस आते समय रात में ही उसका एक्सीडेंट हो गया हो। पुलिस सबसे पहले ओम प्रकाश की लाश को अपने कब्जे में ले लेती है और उसको पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज देती है। लेकिन जैसे ही दो दिन का समय बीतता है, ओम प्रकाश का जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ जाता है पुलिस वाले के पास, उसमें बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। उस रिपोर्ट में दरअसल ये बात बताया जाता है कि ओम प्रकाश का गाड़ी से एक्सीडेंट नहीं हुआ है बल्कि उसके गले पे किसी तेज धारदार हथियार को चलाकर उसकी हत्या कर दी गई है। अब जैसे ही हत्या का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है यह देख करके पुलिस एकदम से घबरा जाती है। फिर पुलिस जो है इस केस की जांच में जुट जाती है, बहुत अच्छे से जांच करती है। पुलिस इस बारे में पूछताछ करने के लिए ओम प्रकाश के बड़ा भाई तेज बहादुर को थाने बुला लेती है और फिर तेज बहादुर से ओम प्रकाश की हत्या के बारे में पुलिस पूछताछ करती है। तेज बहादुर पुलिस वालों को बताता है कि साहब मुझे नहीं पता कि मेरे भाई की हत्या किसने किया है और क्यों की है, लेकिन जैसे इस हत्या के बारे में जो है ओम प्रकाश के छोटे भाई छोटू जो है प्रमोद और उसके बहन उषा को ये बात पता चलता है, तीनों ही थाने दौड़ के चले आते हैं। अब रोसा रोते हुए पुलिस वालों को कहती है, बताती है कि साहब मेरे भाई की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसी की पत्नी पूजा अपने जीजा मनोज सिंह के साथ मिलकर के हत्या करवाई है। अब जैसे मनोज सिंह का नाम लेती है पुलिस कठारा से मनोज को अपने साथ गिरफ्तार करके लाती है और फिर मनोज से ओम प्रकाश से हत्या के बारे में सख्ती दबाव से पूछताछ करती है। पुलिस जैसे ही अपना दबाव देती है वो मनोज पर, मनोज भी पुलिस की दबाव सुन करके टूट जाता है और सच्चाई को कबूल कर लेता है। लेकिन मनोज जब अपने जुबानी पूरी हत्या की कहानी बताता है तो पुलिस मनोज के ही कहने पे तीन और लोगों को गिरफ्तार करके लाती है। दरअसल इस कहानी की जो शुरुआत हो जाती है वो घटना से करीब 3 वर्ष पहले, जब जगराम अपनी बड़ी बेटी ममता की शादी मनोज से कर देता है। अब मनोज जब ममता से शादी कर अपने घर लेकर के जाता है, बहुत खूबसूरत पत्नी होती है, बेहद खुश होता है। मनोज जो अपने पिता के साथ ही खेती किसानी का काम करता है, सब्जियां उगाता था खेत में, उसको लेकर के नौबस्ता के भीतर वो एक मंडी में बिक्री करता क्योंकि नौबस्ता से उसका ससुराल भी काफी नजदीक ही होता है। जब भी उसको मार्केट में बाजार में लेट होता, मंडी में लेट होता, मनोज अपने अक्सर ससुराल चला जाता। अब ससुराल में जब वो जाता है तो अपनी साली पूजा से भी काफी हद तक हंसी मजाक किया करता है। करीब 2 वर्ष का समय जब बीत जाता है, इधर मनोज का अपनी पत्नी से दिल भर जाता है। लेकिन मनोज का जैसे ही अपनी पत्नी से दिल भरता है, अब मनोज की नीयत जो है कहीं ना कहीं अपनी साली पूजा के ऊपर खराब हो जाती है। उसके बाद से मनोज जब भी नौबस्ता बाजार में जाता है, सब्जी मंडी जाता है, तो कोई ना कोई बहाना बना करके अपने ससुराल में चला जाता है क्योंकि मनोज और पूजा के बीच में जीजा साली का संबंध होता है, इसीलिए दोनों जो है काफी हद तक हंसी मजाक भी किया करते थे। हंसी मजाक के भीतर कुछ मनोज ऐसी ऐसी बातें कह देता जिसको सुन करके पूजा को भी ये बात समझने में काफी देर नहीं लगता कि उसके जीजा उससे चाहता क्या है। आखिरकार कहीं ना कहीं पूजा भी मनोज को तब तक पसंद करने लगती है। इसी फिराक में एक दिन मनोज जब अपने ससुराल एक दिन जाता है, उसको एक मौका मिल जाता है क्योंकि उस दिन उसके ससुराल में उसके सास ससुर भी नहीं होते हैं घर पे, उसका छोटा साला जो होता है राजकुमार भी कहीं घूमने के लिए गया हुआ था। पूजा अपने घर में अकेले होती है। मनोज को जैसे ही ऐसा मौका मिलता है, मनोज इसी मौके की तलाश में था और इस मौके का फायदा उठाता है। दरअसल उसी दिन मनोज और पूजा के बीच में नाजायज संबंध बन जाता है। पहली बार जब दोनों के बीच में नजायज संबंध बनता है, बस संबंध बनता है, तो पूजा भी एकदम से मनोज का दीवानी हो जाती है क्योंकि उसके पास ये सिलसिला डेली हो जाता है, रूटीन लगातार चलते रहता है। अब इस प्रकार से आगे चल के निडर हो जाता है कि मनोज कोई ना कोई बहाना बना करके रात के समय अपने ससुराल में ही रुक जाता था। और हालांकि इस बात की जो जानकारी जो होती है मनोज की पत्नी को कभी पता ही नहीं चलता ममता को। अब मनोज जो है अपने सास ससुर के ऊपर काफी हद तक मदद किया करता, जिसके वजह से जो है उसके सास ससुर भी मनोज को काफी पसंद करते थे। अब रात के समय जब मनोज अपनी जब भी अपने ससुराल में ठहरता था तो करीब 12-1 बजे के आसपास जब उसके सास ससुर गहरी नींद में घर में सो जाते थे, उस उठ करके पूजा के रूम में मनोज चल जाता था और करीब 4 बजे के आसपास जो है उसके कमरे से वो निकल करके अपने कमरे में आकर के गहरी नींद में वो सो जाता। अब हर रोज की तरह एक दिन जब मनोज रात के समय पूजा के कमरे में जाता है, इधर करीब रात के 2-2.5 बजे के आसपास उसके ससुर जगराम की नींद खुल जाती है। अब जगराम जैसे ही उठते हैं, पूजा के कमरे से उन्हें हल्की सी आवाजें आती है।
अब जा करके जब वो खिड़की के माध्यम से देखते हैं तो अंदर का नज़ारा देख उनका खून खौल जाता है। अब जा करके जब दरवाज़ा खुलवाते हैं वो, पूजा दरवाज़ा खोलती है, लेकिन दोनों जब जगराम को अपने सामने देखते हैं, मनोज तुरंत ही अपने ससुर का पैर पकड़ लेता है। उस समय तो जगराम जो है दोनों को कुछ भी नहीं कहते, लेकिन जैसे ही सुबह होती है जगराम इस बात की जानकारी जो है अपनी पत्नी को दे देते हैं। अब मनोज अपने सास ससुर से अपनी गलतियों की माफ़ी मांग लेता है और वहाँ से अपने घर चला जाता है। अब जगराम उसकी पत्नी इस बात की जानकारी अपनी बड़ी बेटी ममता को भी नहीं देते, क्योंकि उनको इस बात का डर लगने लगता है कि इस कारण से उनकी बच्ची का रिश्ता ना खराब हो जाए। लेकिन अब जगराम अपनी बेटी पूजा की शादी जल्द से जल्द शादी करवाने के लिए एक लड़के की तलाश में जुट जाते हैं। तभी इधर जगराम की मुलाकात जो है तेज बहादुर से हो जाती है और फिर जो है उसके छोटे भाई ओम प्रकाश से पूजा का रिश्ता तय कर देते हैं। अब जैसे ये शादी तय हो जाती है, पूजा अपने जीजा मनोज के नंबर पर कॉल करती है और कहती है कि मेरी शादी कब तय कर दी गई है। जैसे इस तरह की बातें वो कहती है, मनोज फिर से अपने ससुराल में जाता है और अपने सास ससुर के सामने हाथ जोड़ करके अपनी गलतियों की माफ़ी ही नहीं मांगता, बल्कि उनको यकीन भी दिला देता कि आज के बाद से हम पूजा को अपनी सगी बहन की तरह ही समझूंगा, मुझसे जो कुछ भी गलती हुआ उसे आप माफ़ कर दीजिए। अब जैसे इस तरह की बातें वो कहता है, आखिरकार जगराम और उसकी पत्नी भी मनोज की गलतियों को माफ़ कर देते हैं और फिर फरवरी 2016 के भीतर पूजा की शादी ओम प्रकाश से हो जाती है। अब इधर ओम प्रकाश से जैसे पूजा की शादी होती है और ससुराल जब पूजा पहुंचती है, उसके बाद से मनोज अक्सर पूजा के ससुराल में ही जाना शुरू कर देगा, क्योंकि मनोज और ओम प्रकाश के बीच में साढ़ू का रिश्ता होता है, इसीलिए ओम प्रकाश भी इसका विरोध नहीं कर पाता है। अब जब भी उसके ससुराल में ये जाता है पूजा से भी, वहां पर भी काफी हद तक हंसी मजाकिया करता था, लेकिन बार बार जब पूजा के ससुराल में ये जाने लगता है, इसीलिए पूजा के पति ओम प्रकाश को अब मनोज के उसके घर आना जाना अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए एक दिन जो है ओम प्रकाश अपनी पत्नी से कहता है कि मनोज को तुम समझा देना, आज के बाद से ना तो मैं उसके घर जाऊंगा और ना ही वो मेरे घर आएगा। लेकिन पूजा अपने जीजा को मना ही नहीं करती है। इधर मनोज जब ओम प्रकाश के घर पे जाना शुरू करता है तो उसके बड़े भाई तेज बहादुर से काफी गहरी दोस्ती हो जाती है मनोज की। दरअसल दोनों एक साथ बैठ करके दाढ़ू यानी शराब पिया करता था, लेकिन बार बार उसके घर पे जब वो जाने लगता है, इस वजह से ओम प्रकाश को अब अपनी पत्नी के ऊपर शक हो जाता है। अब इसी शक के आधार पे जब अपनी पत्नी के बारे में जब पता करने के प्रयास करता है, आखिरकार ओम प्रकाश को ये बात पता चल जाता है कि शादी से पहले उसकी पत्नी का मनोज के साथ में अवैध संबंध लगातार चल रहा था। जैसे इस बारे में पूजा से पूछताछ करता है, क्योंकि कठोर सच्चाई जो पूजा भी सुनती है, सुनकर के एकदम से भड़क जाती है। उसके बाद से इसी बात को लेकर के पूजा और उसके पति दोनों में लड़ाई झगड़ा हो जाता है और इसी बात की जानकारी इधर जब मनोज को पता चलता है, मनोज भी ओम प्रकाश के घर पे आना जाना बंद कर देता है। लेकिन मनोज जब पूजा के ससुराल जाना बंद कर देता है, अब पूजा जो है अपने पति से और झगड़े और लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देती है और एक दिन लड़ाई झगड़े इस हद तक बढ़ जाती है कि गुस्से में अपने मायके चली जाती है। और जब मायके में उधर जाती है, उसके बाद से ओम प्रकाश भी उसको मनाने के लिए ससुराल आता है, लेकिन पूजा अपने पति के साथ जाने के लिए तैयार ही नहीं होती। अब इधर मनोज को जब ये बात पता चलता है कि पूजा अपने मायके में आ गई है, ये जान करके मनोज भी काफी खुश हो जाता है, तुरंत अपने ससुराल पहुंच जाता है और पूजा से कहता है कि जो कुछ भी तुमने निर्णय लिया है बिल्कुल सही ही लिया है, तुमको जो कुछ भी मदद चाहिए मैं तुम्हारा मदद करूंगा। लेकिन जैसे कुछ दिन का समय और बीतता है, अब ओम प्रकाश फिर से जो है अपनी पत्नी को मनाने के लिए फिर ससुराल जाता है। पूजा जब वापस आने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं होती है, ओम प्रकाश पूजा की वहीं पर पिटाई कर देता है। इसी पिटाई से पूजा इस प्रकार से नाराज हो जाती है कि अपने जीजा के संग मिल करके अपने पति के ऊपर ही दहेज उत्पीड़न का एक केस दर्ज करवा देती है। अब जिसके कारण से ओम प्रकाश जेल चला जाता है। अब जेल जाने के बाद जो है कुछ दिन तो जेल के भीतर रहता है, लेकिन जैसे ही बेल पे वो रिहा होता है, अब जब घर वापस लौटता है, अब अपने भाई तेज बहादुर से वो कहता है कि वो केस वापस करवा दो, लेकिन तेज बहादुर भी अपने भाई का साथ नहीं देता है, बल्कि पूजा के ही मायके वालों का साथ देने लगता है, जिसके कारण जो है ओम प्रकाश का अपने भाई के साथ में भी झगड़े लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। अब एक दिन पूजा फिर से एक दिन अपनी पत्नी से मुलाकात करने के लिए ससुराल में जाता है, तो वहाँ पर जो है मनोज को भी देखता है। अब मनोज को जैसे ही वो देखता है, ओम प्रकाश के पूरे शरीर में एकदम से आग सा लग जाता है। अब ओम प्रकाश मनोज को धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुम मेरे रिश्तेदार नहीं होते ना, तो मैं तुम्हें यहीं जान से मार के गाड़ देता, बेहतर है तुम्हारे लिए आज के बाद से
मेरी पत्नी से तुम कभी मुलाकात करने की प्रयास भी मत करना। जब इस तरह की धमकी वो देता है, अब मनोज ये सारी धमकियां जो है सर झुका करके कबूल कर लेता है। अब इस तरह से सुनने के बाद वहां से लौट जाता है मनोज अपने घर। जैसे वो घर पे लौटता है ना, इधर पूजा जो है मनोज के नंबर पे कॉल करती है और कहती है कि तुम तो काफी मर्दगानी दिखा रहे थे, लेकिन मेरे पति के सामने तुम तो भीगी बिल्ली बने फिर रहे हुए थे। जिस तरह से मेरे पति तुमको धमकी दिए, वो तुम्हें उसे जान से उसी समय मार देना चाहिए था। अब जैसे पूजा इस तरह की बातें मनोज को कहती है, यानी अपने जीजा को कहती है, और मनोज को अपना बेइज्जती याद आने लगता है। अब मनोज पूजा से कहता है कि अगर तुम्हारा पति नहीं होता ना, तो मैं सच में उसको वहीं पर जान से मार के गाड़ देता। जान से मारने की जो बात करता है, पूजा भी मनोज को इजाजत दे देती है, हाँ कर देती है। अब मनोज को जैसे इजाजत पूजा की तरफ से मिल जाता है, उसके बाद मनोज अब ओम प्रकाश को इस दुनिया से हटाने के लिए एक प्लान तैयार कर लेता है। उसी प्लान के तहत और इस प्लान में जो है अपने साले राजकुमार से भी बातचीत करता है। अब राजकुमार भी अपने जीजा का साथ देने के लिए सिर्फ इसीलिए तैयार होता है क्योंकि राजकुमार को ऐसा लगता है कि उसका जीजा उसकी बहन की अक्सर पिटाई करते रहता है। अब उसके बाद मनोज जाकर के ओम प्रकाश के ही बड़े भाई तेज बहादुर से मुलाकात करता है। अब फिर उसी के छोटे भाई ओम प्रकाश को इस दुनिया से हटाने की बात कहता है। अब तेज बहादुर भी अपने भाई से इस प्रकार से गुस्से में आ गया था, तब तक तंग आ गया था कि मनोज का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। अब उसके बाद से सब के सब मिल करके एक सही मौके का तलाश करने लगते हैं। अब 6 नवंबर 2018 को शाम के 7-8 बजे के आसपास ओम प्रकाश अपने बहन उषा के लिए उषा के घर जाने के लिए निकला। जैसे विधुनी इलाके के आसपास आता, उसकी बाइक खराब हो जाती है। अब इसीलिए ओम प्रकाश जो है अपने बड़े भाई तेज बहादुर के नंबर पे कॉल करता है और कहता है कि मेरी गाड़ी खराब हो चुकी है, कुछ पैसे तुम दे दो। लेकिन इधर तेज बहादुर को जैसे ये बात पता चलता कि वो विधुन के भीतर है और अपनी बाइक को ठीक करवा रहा है, अब तेज बहादुर मनोज के नंबर पे कॉल करता है और कहता है कि हमारे पास इससे बेहतर और कोई मौका नहीं मिल सकता है, बेहतर है कि तुम विधुन के भीतर आ जाओ। मनोज से जैसे ही बात बताता है, मनोज अपनी गाड़ी लेकर के सीधे अपने ससुराल जाता है और अपने साले राजकुमार को गाड़ी पे बिठा कर विधुन पहुंच जाता है। अब जा करके ओम प्रकाश से मुलाकात करता है, साथ ही साथ ओम प्रकाश से कहता है कि मुझसे जो कुछ भी गलतियां हुई है तुम मुझे माफ कर दो, आज के बाद से मेरी तरफ से तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि ओम प्रकाश और मनोज के बीच में सारू का रिश्ता होता है, ओम प्रकाश भी मनोज को माफ कर देता है। लेकिन मनोज ओम प्रकाश को कहता है कि जब तुमने मुझे माफ कर ही दिया है, इस खुशी में एक पार्टी कर लेते हैं, चलो हम दोनों आज शराब पीते हैं। अब ओम प्रकाश भी मनोज की बात मान लेता है। उसके बाद से दोनों जो है शराब के ठेके पे जाते हैं, जाकर के वहां कुछ शराब के बोतलें खरीदते हैं और शराब पीता है। लेकिन मनोज अपने प्लान के तहत ओम प्रकाश को कुछ अधिक मात्रा में शराब को पिला देता है। उसके बाद से दोनों वहां से निकल जाता है। लेकिन ओम प्रकाश जब वहां से निकलता है ना, उसके अपने बहन के घर के लिए रवाना होता है। लेकिन जैसे ही संभुआ हाईवे के पास पहुंचता है वो, अब इधर ओम प्रकाश का बड़ा भाई तेज बहादुर, मनोज और उसका साला राजकुमार, ये तीनों मिल करके ओम प्रकाश का रास्ता वहीं पे रोक लेते हैं। उसके बाद से मनोज और तेज बहादुर दोनों मिल करके ओम प्रकाश को धर दबोचते हैं, पकड़ लेते हैं और उसके अपने पास से एक तेज धारदार हथियार को निकालते हैं और उस हथियार को ओम प्रकाश के गले पे रेत देते हैं। अब जिसके कारण से ओम प्रकाश की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद से तीनों मिलकर के ओम प्रकाश की लाश को सड़क किनारे फेंक देता है और तेज बहादुर अपने घर लौट जाता है और मनोज अपने साले राजकुमार को लेकर के अपने ससुराल चला जाता है और पूजा से कहता है, पूजा को बताता है कि काम हो चुका है। उसके बाद से मनोज भी अपने घर लौट जाता है। सच में मनोज जब पूरी कहानी अपनी जुबानी पुलिस वालों को बताता है, पुलिस मनोज के ही कहने पर पूजा, उसका भाई राजकुमार और ओम प्रकाश का बड़ा भाई तेज बहादुर, इन तीनों को भी अपने साथ गिरफ्तार करके लाती है। फिलहाल पुलिस ने इन चारों आरोपियों को अपने कब्जे में लेकर इन पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके सबको जेल भेज दिया। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, ना ही आपका दिल दुखाना है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहे सुरक्षित रहे और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।